लद्दाख में ऑपरेशन तैयारियां जांचने पहुंचे सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने दौरे के दूसरे दिन रविवार को युद्धक यानी अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे में उड़ान भरी। उड़ान के दौरान वायुसेना की ओर से सेना प्रमुख को अपाचे की युद्धक क्षमता और खूबियों की जानकारी दी गई। वहीं सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर मुख्यालय का भी दौरा किया। इस दौरान कोर कमांडर अनिंदा सेनगुप्ता समेत कई अफसरों ने सेना प्रमुख को एलएसी के ताजा हालात की जानकारी दी। सबसे पहले आप ये उड़ान देखिए। कोर मुख्यालय में चीन से लगती एलएसी और पाकिस्तान से सटी एलओसी पर किसी भी चुनौती और हालात से निपटने की तैयारियों की सेना प्रमुख को जानकारी दी गई। गौरतलब है कि एलएसी पर गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भारत और चीन की सेनाओं को पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को 12 सितंबर तक पूरा किया जाना है। सेना प्रमुख के लद्दाख दौरे में इस प्रक्रिया की ताजा स्थिति जानने के अलावा ऑपरेशनल तैयारियों की भी परीक्षण और निरीक्षण किया गया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत चीन सेनाओं की वापसी प्रक्रिया के बीच सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे लद्दाख पहुंचे हैं। सीमा पर ऑपरेशनल तैयारियां जांचने और मौजूदा हालात की समीक्षा करने पहुंचे सेना अध्यक्ष ने पर्वत प्रहार अभ्यास का भी जायजा लिया। सेना प्रमुख सियाचिन ग्लेशियर का अब दौरा करेंगे। लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास में उच्च पर्वतीय इलाके में सेना की सामरिक ताकत का प्रदर्शन किया गया। हाल ही में सैन्य बेड़े में शामिल किए गए अत्याधुनिक हथियार, युद्धक वाहन और एलएसी पर नई चुनौतियों के मद्देनजर तैयारियां दिखाई गई। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार दो दिवसीय दौरे में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे अग्रिम इलाकों में ऑपरेशन तैयारी जांचेंगे। सेनाध्यक्ष ने अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। सेनाध्यक्ष ने पर्वत प्रहार अभ्यास में प्रदर्शित तैयारी देख किसी भी परिस्थिति के लिए जवानों की दृढ़ता की सराहना की है। एलएसी पर चीन से तनाव से सैन्य जवानों और हथियारों की तैनाती में भारी वृद्धि हुई है। नए हथियारों, उपकरणों और वाहनों की उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में टेस्टिंग हो रही है। इससे पूर्व 27 अगस्त को उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख में रेज हंट अभ्यास में सैन्य ताकत और तैयारी पर की थी। यानी कुल मिलाकर ये समझ लें कि भारत की सेनाएं तैयार हैं और भारतीय थल सेना के प्रमुख इस वक्त उन्हीं तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।